हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल से नीचे यहाँ से देखे यहाँ तक, और ये सर्वाइकल से टोटल 33 मोड़े, इंसानी बॉडी में 33 मोड़े होते हैं। 7 सर्वाइकल के होते हैं, डार्सल के 12 होते हैं, नीचे लोम्बर के 5 होते हैं, नीचे सेक्रल के 5 होते हैं, और दुमजी के 5 मोड़े होते हैं। ये सारे मराए तो 33 मोड़े होते हैं, 33 मोड़े, और इनके दरमियान हर दो मोड़ों के दरमियान एक डिस्क होती है, जो डिस्क बिल्कुल एक बबल नुमा उसमें फ्लूट होता है। तो जिस वक्त मोरे निकलने पे आते हैं, बंदा है हिस्स गत करता है, उठता बैठता है, वजन उठाता है या जंप करता है या गिरता है, तो जिस वक्त मोरा निकलने पे आता है तो डिस्क उसकी महफूज होती है, डिस्क मोरे को निकलने से बचाती है। लेकिन जब तो वो डिस्क उसको बचाने में जोर लगाती है, तो अगर मोरों के निकलने में या मोरों को तो संभलने में वो डिस्क कामयाब हो जाए तो ठीक, वरना डिस्क भी बह जाती है, उसका फ्लूट जो निकल जाता है तो डिस्क नस के बैठ जाती है। जब डिस्क जो है वो नस पे बैठती है तो इसको अर्को नसा की तकलीफ हो जाती है, फिर अर्को नसा की बीमारी जो है, अर्को नसा को लंगड़ी का दर्द कहते हैं, अर्को नसा भी कहते हैं, जब वो बिल्कुल पीक में चले जाए तो यही छठी का भी यही होता है, यानी कि खून की नालियां बंद होने को छठी का या अर्को नसा या लंगड़ी का दर्द कहते हैं। ये शरीर से होती हुई पिंडी से होती हुई पांव तक, पांव से फिर पोरों तक, यानी उंगलियों के पोरों तक ले जाते हैं, जहां जहां से ये रग बंद हो जाती है, खून ले जाने वाली और ले आने वाली वापस आने वाली दोनों नसें जो बंद हो जाती हैं, इसको कहते हैं लंगड़ी का दर्द, अर्कुन नसा या शकी का। तो अब हम इसको देखने जा रहे हैं कि इस भाई को मसला क्या है। तो मैंने इनको चेक किया अभी, तो इनको L4 और L5 में प्रॉब्लम है, और दरमियानी डिस्क भी इनकी जो है वो निकल गई है, डिस्क बह गई है। बह जाना कहते हैं कि उसके अंदर से जो फ्रूट है वो निकल गया, वो बिल्कुल पपड़ सी बन गई है। अभी हम इनको एडजस्टमेंट देंगे आपके सामने, इंशाल्लाह हम लोग ठीक करेंगे, और ये उसका इंशाल्लाह कहेंगे तुम्हें ठीक हो गया। पहले हम मोरू पे मोरू को चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम इनको देखेंगे कि दाएं ज्यादा है या बाएं ज्यादा है, या ऊपर नीचे एक दूसरे में फंसे हुए, या तो मोरा फंसता है या मोरा खुलता है, मोरा निकलता नहीं है। ये कहते हैं जी मोरे निकल गए, मोरे निकलते नहीं, वो अपने उसी पैरों सुकून में होते हैं, लेकिन वो या तो खुल जाते हैं मोरे, ये मोरों की पोजीशन होती है बिल्कुल उंगलियों की मानत, जब मोरे खुलते हैं इस तरह हो जाती है और सुकून टेढ़ा हो जाता है। जिस वक्त आप MRI देखते हैं या एक्सरे देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सुकून टेढ़ा हो जाता है, तो मोरे खुल के इस तरह हो जाते हैं। जब इस तरह हो जाते हैं तो बंदे को या तो इस टाइप पे हो जाता है टेढ़ा हो जाता है, या इस टाइप पे टेढ़ा हो जाता है। हमारे पास जिस वक्त भी मरीज आते हैं तो प्रॉब्लम है, अभी हम इसको दबा के हम चेक कर लेंगे इसकी दाएं बाएं हथौड़ को, इस हथौड़ को देख के फिर इसका हम पूरा सुकून चेक करेंगे, जिस तरह गाड़ी की अलाइनमेंट होती है इस तरह इसकी भी अलाइनमेंट होती है। तो अभी हम मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने इसके बाजू को, अभी मैंने इनका एक बाजू जो इस पे लाया है, ये बाजू इनका हरकत करके यहाँ तक आ गया है, और अभी ये दूसरे वाला जो है ये यहाँ पहुंचे, यानी अगर हम इसको बैंक में इस तरह करें तो डेढ़ इंच इस तरफ खिंचाव, अभी हमने खिंचाव निकालना है। खिंचाव निकालने का तरीका ये है कि ये जो पीछे वाला बाजू है वो यहाँ पे आया, यहाँ से हमने इसको टोलना शुरू करना है कि किसमें खिंचाव, कौन से मोरे में खिंचाव, इनको यहाँ से दबाव पड़ा है तो मोरे को खिंचाव यहाँ से आ गया। अभी हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करके इंशाल्लाह इनका खिंचाव जो है जो इस अभी नीचे बैठ जाए, नीचे सबको नजर आना चाहिए भाई, आगे बैठ जाए ना, नीचे बैठ जाए, बैठे बुढ़ा साहब।